दोस्तों देखिए, ये पांडा का तिकुन है, इसमें दोनों पिन शॉर्ट है, तो ये शॉर्टेज कैसे आप फाइंडिंग करेंगे और ये रिपेयर करेंगे, इस वीडियो में इसका बारे डिटेल्स आप देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू आवर कोले टेलीविजन। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा पांडा 43 इंच। देखिए ये तिकोन का नंबर देख लीजिए, TC425-001। ये पांडा का तिकोन है, ये बहुत सारे सेड में ये तिकोन यूज किया है 43 इंच पैनल में, पांडा पैनल में। तो इस तिकोन का बारे डिटेल्स, कैसे वर्क कर रहा है, इसका स्टार्टअप क्या है, और आप कैसे गेट सिग्नल ब्लॉक करेंगे, और पहले जो देख रहा था यहाँ पर शॉर्टेज है वो भी आप देखेंगे। देखिए सबसे पहले इस पैनल में ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है, पैनल का ही प्रॉब्लम होता है, गेट सिग्नल का प्रॉब्लम होता है। वो कैसे ब्लॉक करेंगे, कौन सा गेट सिग्नल आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, वो भी पूरा देखेंगे। देखिए सबसे पहले इधर देखो, यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है। देखिए इस तिकोन के हमारे थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ये हमारा प्रोसेसर है, ये हमारा DC-to-DC IC है, और ये हमारा गामा IC है, ये हमारा EEPROM है, और ये हमारा लेवल शिफ्टर IC है, और ये हमारा ओपैम सर्किट है, जिसको VCOM वोल्टेज को या से आउटपुट होने के बाद ओपैम जिसको बोलते हैं एम्पलीफायर सर्किट, ठीक, वो VCOM वोल्टेज को यहाँ से आउटपुट होने के बाद एम्पलीफाई करके पैनल में सेंड करेंगे। एक्चुअल जो सीधा बात है, VCOM वोल्टेज इस IC से जो निकलेंगे उसका एम्पियर कॉम है, उसको थोड़ा हाई एम्पियर बना के ये आउटपुट करेंगे। क्यों, 43 इंच का डिस्प्ले है, सब जगह में जाना पड़ेगा, इसलिए VCOM को एम्पियर को हाई करना पड़ेगा, इसलिए ये ओपैम सर्किट यहाँ पर यूज किया है, ऑपरेशन एम्पलीफायर। ओके देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है, सबसे पहले देख लीजिए 12 वोल्ट सप्लाई प्रेजेंट। उसका बाद देखिए ये हमारा 3.3 वोल्ट का कॉयल है, 3.3 वोल्ट सप्लाई, ओके, और ये हमारा VGH वोल्टेज है, सॉरी एवरीडी वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ये एवरीडी वोल्टेज IC के अंदर इनपुट हो रहा है और यहाँ से फिर आउटपुट हो रहा है। देखो इन हो रहा है और इस ट्रैक से ही यहाँ से आउटपुट हो रहा है, देखो इधर देखिए आउटपुट हो रहा है, 10 ओम्स रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर चला जा रहा है। ओके और देखिए यहाँ पर एक डायोड और एक ट्रांजिस्टर, ये NPN ट्रांजिस्टर और एक डायोड मिलकर हमको VGL सॉरी सेट हमारा बॉन्ड स्टैंड बाई कंडीशन में चला गया। देखिए सेट स्टैंड बाई कंडीशन में चला गया, इसको स्टैंड बाई रिलीज करना पड़ेगा, सॉरी टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है। स्टैंड बाई रिलीज किया, देखिए स्टैंड बाई रिलीज किया, सेट ऑन हो गया, फिर यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर हमको VGL वोल्टेज है -6.12। ओके और ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर और एक डायोड है, इसको लगा के हमारा VGH वोल्टेज जनरेट किया है। VGH वोल्टेज का जो PNP ट्रांजिस्टर और डायोड मिलाकर जो वोल्टेज जनरेट होता है, जैसे LG 6 पिन का IC में होता है ना, ऐसा ही सर्किट यहाँ पर यूज किया है, वो बाहर में किया है ट्रांजिस्टर और डायोड, और वो 6 पिन का IC का अंदर था ट्रांजिस्टर डायोड, एज इट इज सेम। ओके वो वीडियो हमारा है, आप उसको डिटेल्स देख सकता है। और ये होगा हमारा एवरीडी का वोल्टेज, एच एवरीडी का वोल्टेज, और ये हमारा 1.2 का वोल्टेज। ठीक है तो सबसे पहले देखो ये तो DC-DC सेक्शन चला गया। ओके देखिए ये हमारा गामा IC है, गामा में एवरीडी सप्लाई इनपुट हो जाएगा, इधर नहीं तो देखिए यहाँ ये एवरीडी जो सप्लाई है एक गामा का अंदर इनपुट हो जाएगा, और ये प्रोग्रामेबल गामा है, यहाँ से सब कुछ आउटपुट हो जाएगा, 1, 2, 3 करके आएंगे यहाँ पर, आने के बाद फिर इधर से काउंटिंग हो जाएगा।
देखिए इधर से ये पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैनल गामा है। और यहाँ से देखो ये वी कॉम वोल्टेज इस आईसी के यहाँ से आउटपुट हो रहा है। ये वी कॉम वोल्टेज ये एक पी चैनल का मॉस्फेट लगा हुआ है, इसका सोर्स में जाएंगे, जाने का बाद यहाँ से ड्रेन से आउटपुट होगा, आउटपुट होने का बाद ये ओपैम सर्किट में इनपुट होगा, यहाँ से दोनों वी कॉम आउटपुट हो रहा है। देखिए देखिए बढ़िया सेट है, इसलिए वी कॉम मल्टीपल जगह में जाता है। आप पहले वीडियो में देख रहा था ना, ये दोनों मैं आपको शॉर्टेज देख रहा था, ए वाला और ए वाला, ये शॉर्टेज रहेगा कुछ दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल प्रोसेस है। ये जो शॉर्ट है दोनों पॉइंट में, ये शॉर्ट आपको होना चाहिए, क्यों? ये तो दोनों एक ही जगह में जा रहा है तो दोनों तो शॉर्टेज होना चाहिए, शॉर्टेज नहीं होगा तो दिक्कत होता है। ठीक है, ये शॉर्टेज होना चाहिए, वो मैं आपको एक पेपर में ड्राइंग करके समझाऊंगा लास्ट में। तो वो गया इसको, और यहाँ पर देखो हमको जो लेवल शिफ्टर है ये हमारा गेट सिग्नल है, गेट सिग्नल है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ये पूरा गेट सिग्नल है, ये इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे, कौन सा ट्रैक में जाएंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा वीडियो आप देखना चाहता है तो हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हमारा नेक्स्ट अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट होगा दिसंबर जनवरी फरवरी, नवंबर भी अक्टूबर भी हो सकता है, मैं डेट अनाउंस करूंगा। और नेक्स्ट मंथ में हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा, मेरा साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ा रहना चाहता है तो हमारा जो नंबर है इस नंबर में कॉन्टेक्ट करिए, और बांग्लादेश से प्रोग्राम अटेंड करते चाहिए बांग्लादेश से दिया नंबर है अपना जोजक को। ओके तो चलिए दोस्तों इसका बारे डिटेल समझ लो। देखिए ये जो यहाँ से पहले कौन सा गेट सिग्नल ब्लॉक करेंगे, देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक 14 ट्रैक, यहाँ से काउंटिंग करिए 14 ट्रैक ब्लॉक करिए। ठीक है, और इधर भी देखो सेम है, आप काउंटिंग इधर से होता है, आपको आसान तरीका मैं बोल रहा हूँ, इधर से काउंटिंग करिए 14 ट्रैक ब्लॉक कर दीजिए, ये इधर से 1 2 3 4 5 6 1 2 14 और ये इधर से 1 2 14 दोनों साइड में। तो आप जिस साइड में आपको ब्लॉक करने की जरूरत है आप ब्लॉक करेंगे। ठीक है, और भीकम के बारे जो बोल रहा था ना, भीकम के बारे आप जो देखिए यहाँ पर जो दोनों पिन आपस में शॉर्टेज था वो आप देखिए बीप साउंड हो रहा है ना, ये एक्चुअल दोनों आपस में शॉर्ट ही है, ये जो ओपैम एम्पलीफायर है ना, ऑपरेशन एम्पलीफायर जिसको बोलता है, इसमें से ये शॉर्ट ही है, ये हमारा वीकॉम सप्लाई है, वीकॉम में जाएगा पैनल के एपीसी के मध्य, दोनों एपीसी ओपन कर दीजिए तब भी आपको बीप साउंड मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैसे काम कर रहा है थोड़ा सा आप समझ लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों कुछ सीखने के लिए आपको लर्निंग माइंड सेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैं टीकॉन ऑन किया है, देखिए यहाँ पर हमको एवरीडी वोल्टेज आ रहा है ना, टीकॉन स्टार्ट हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो आईसी है इसमें यहाँ पर देखिए कितना वोल्टेज है, 6.89 वोल्ट है, ये भी कम वोल्टेज है। तो हमारा यह से एक्चुअल ये जो हमारा गामा सेक्शन है, ये गामा से यहाँ पर भी कम वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, देखिए 6.90। ठीक है, और ये एक पी चैनल का मॉस्फेट है, यहाँ पर सोर्स में जाएंगे, सोर्स में जाने का बाद ये ड्रेन से आउटपुट हो रहा है, आउटपुट होने का बाद ये दोनों रजिस्टर से यहाँ पर इनपुट होगा, और ये जो इनपुट है ये रेफरेंस भी वोल्टेज रेफरेंस, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन है इसमें, ये रेफरेंस है। तो इसका इस आईसी का जो सप्लाई है, देखो यहाँ पर आप देखिए ये एवरीडी का जो वोल्टेज है ना, एवरीडी सप्लाई इस आईसी में रहेंगे। मैं आपको पहले ही बताया इस आईसी का काम है, इस सिग्नल को ये जो यहाँ से जो
बीकम वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, इसको एम्पलीफाई करके एम्पियर ज़्यादा करना और कुछ नहीं। इसको ये जो इस वोल्टेज का जो पावर है, ये पावर को इंक्रीज करना इस आईसी का काम है। इंक्रीज कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 16 वोल्ट का जो एवरीडी सप्लाई है ना, ये आईसी के अंदर इनपुट हो रहा है और यहाँ से ये 6.91 वोल्ट इसके अंदर इनपुट हो रहा है। इस वोल्टेज के माध्यम से इसको हाई एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, एम्पलीफिकेशन का माध्यम से। इसका ही ऐसा काम है और ये दोनों आपस में शॉर्ट मिलेंगे, बीप साउंड होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका त्रिकोण ओके है। ओके तो दोस्तों, ये छोटा सा नॉलेज आपको कुछ हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके थैंक यू एवरीबॉडी।